जेएनयू पुराना परिसर में गैंगरेप के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने व डीसीपी अमृता दुहन के बिना तथ्य आरोपियों को एबीवीपी से जोड़ने के वक्तव्य का खंडन करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रैली स्वरूप आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके सौंपा ज्ञापन। डीडवाना छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा स्थानीय किसान विश्राम गृह में एकत्रित होकर कचहरी परिसर तक एक रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वही नारेबाजी के बाद एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा दिए गए। ज्ञापन में बताया गया कि 15 जुलाई की रात में जेएनयू जोधपुर के पुराना परिसर में हॉकी ग्राउंड में नाबालिग बहन के साथ गैंगरेप की घटना घटित हुई, जिसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सख्त विरोध करती है तथा आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग करती है। राजस्थान में कांग्रेस नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा परिसरों की सुरक्षा को पूरी तरह अनदेखा किया गया, जबकि इस संदर्भ में बार बार मांग की जा रही थी। राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। प्रदेश सरकार की अक्षमता के कारण राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था की जर्जर स्थिति की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कड़ी भर्त्सना करती है। राजस्थान में ये चुनावी वर्ष है, इस कारण गहलोत सरकार पुलिस सहित विभिन्न राज्य मशीनरी का उपयोग अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए कर रही है। जोधपुर गैंगरेप घटना में राज्य सरकार द्वारा घटना को रोकने में सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए कुछ मीडिया समूहों का सहारा लेकर घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद डीसीपी अमृता दुहन द्वारा बिना तथ्य के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आरोपियों का संबंध बताया गया है, जो कि सरासर गलत और निराधार आरोप है, जिसकी विद्यार्थी परिषद कड़ी निंदा करता है, क्योंकि आरोपी न तो दायित्वधारी है न ही उनमें से कोई भी आरोपी विद्यार्थी परिषद का सदस्य है। ऐसे छात्रों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करके ही जानकारी मीडिया के समक्ष रखनी चाहिए। अमृता दुहन अपने बयान खंडन करे, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार और प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक जयमोट, छात्र नेता शिशुपाल चौधरी, कृष्णा चौहान, दिनेश अग्रवाल, मोहित कच्छावा, संदीप सैनी, लक्ष्मी नारायण, अशोक मिर्धा, सुरेश लोकेश माली, अरविंद भाटी, मनमोहन सिंह सिंघाना, केसर प्रजापत वर्सेल व अन्य छात्र नेता छात्र प्रतिनिधि मौजूद रहे। 15 जुलाई को जेएनयू के अंदर बहन के साथ में दरिंदु के द्वारा गलत काम करके जो किया था उनके साथ में, उसके लिए एबीवीपी पूरी टीम विरोध करती है। और वहाँ के जो कुछ संगठन है वो एबीवीपी के नाम से उनको जोड़ा जा रहा है कि वो एबीवीपी के पदाधिकारी है, न तो वो एबीवीपी के पदाधिकारी है, न कभी भी उन्होंने एबीवीपी के संगठन में काम किया है। एबीवीपी पूरे जोर से बहन के साथ में है और उसको न्याय दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। राज्यपाल के नाम एसडीएम के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। कल जोधपुर में जो जयनारायण विश्वविद्यालय है उसके ओल्ड कैंपस के अंदर हॉकी ग्राउंड के अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, और बच्ची नाबालिग है और उसको प्रेमी को बांध करके उससे दुष्कर्म किया जाता है, जिसको लेकर के उनकी गिरफ्तारियाँ हो गई है। विद्यार्थी परिषद उन तीनों जो वांछित अपराधी है उन लोगों के फांसी की सजा की मांग करती है और कठोर से कठोर कार्यवाही की मांग करती है। लेकर के राजस्थान के तीनों प्रांत जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़ को में तीनों प्रांतों में आज विरोध आंदोलन और प्रदर्शन किया जाएगा। जोधपुर में इसको बड़े रूप में किया जाएगा और पूरे प्रदेश भर में सभी इकाइयों पर विद्यार्थी परिषद के ज्ञापन और आंदोलन किए जाएंगे। विद्यार्थी परिषद का इन कार्य से कोई लेना देना नहीं है। विद्यार्थी परिषद तो हमेशा छात्र कार्यकर्ताओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम करता है। विद्यार्थी परिषद से हर वर्ष कई कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं। टिकट मांगना अलग विषय है, हमने अभी कहीं टिकट का डिक्लेरेशन नहीं किया गया, तो इस तथ्य को गलत रूप से पेश करके विद्यार्थी परिषद के साथ जोड़ा जाना। सरकार इस मामले में नाकामयाब साबित हुई है। मुख्यमंत्री के खुद के गृह क्षेत्र के अंदर ऐसी घटना होना, इससे पूर्व में भी 2 दिन पूर्व में भी ऐसी तरह की घटना जोधपुर के एक स्कूल के अंदर हुई है, जिसमें भी एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया गया है। और वहीं हम देखे जाएँ तो पिछले 8 दिनों के अंदर 8 से ज़्यादा नाबालिग लड़कियों के साथ राजस्थान के अंदर रेप हुआ है। बीकानेर के खजुवाड़ा के अंदर 2 पुलिस वाले एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं और उनको सिर्फ बर्खास्त कर करके मात्र उसकी खानापूर्ति कर दी जाती है, जिसमें राजस्थान सरकार नाकामयाब साबित होती है।